हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को एक छोटे बच्चों के लिए सैंडल, चप्पल या शूज़ जो भी आप कह लें वो हम आपको बनाना बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन एकदम रेडीमेड स्टाइल में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये सैंडल बनाने के लिए ये कुछ कपड़े लिए हैं। ये हमने एक बेबी फ्रॉक बनाया था, उसी की मैचिंग में हम शूज़ बनाएंगे। तो उसके लिए ये हमने उसका कपड़ा लिया है और ये हमने बच्चों के पैर की साइज़ से इस चप्पल की कटिंग कर ली है। ये कटिंग के बाद लगभग 5 इंच से थोड़ा सा कम है और यहाँ की चौड़ाई 3 से थोड़ा सा कम है, यहाँ की 2.5 है। लेकिन ये सिलाई के बाद लंबाई चौड़ाई दोनों थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि हमें आउट फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा कटिंग करना होगा। तो देखिए, हमने पुराने कपड़े का रीयूज़ किया है, तो इसको चारों तरफ से हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको बीच में रखेंगे और कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और इसके हम बिल्कुल किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। और हम सिलाई के बाद फालतू जो कपड़ा रहेगा उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ और कपड़े को कट कर देंगे। तो देखिए, हमने इसकी सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब हम इसकी लंबाई आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये 4 इंच है, यहाँ की चौड़ाई 2.5 इंच है, यहाँ की 2 इंच है। आप बच्चों के हिसाब से जितनी भी लंबाई चौड़ाई रखना है आप रख लें। यहाँ हम निशान लगाएंगे, अपने अंदाज से हम निशान लगाएंगे लगभग 1 इंच नीचे। यहाँ से हमें पट्टियाँ लगाना है, तो पट्टी लगाने के लिए हमने ये फ्रॉक वाला कपड़ा लिया है। तो आगे की साइड हमने इस तरह से इसकी नाप लेनी है, जो ये बच्चों का पैर देखना है कि कितना मोटा है कितना पतला है, उस हिसाब से हमें इस पट्टी की नाप लेनी है। तो इस हिसाब से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ हल्की सी गोलाई देना है। आप चाहें तो इस पट्टी को सीधी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दिया है जिससे ये सैंडल देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और इसे हम इस तरह से नाप लेंगे इस तरह से। अब हम इस कपड़े पर इसको अंदर रखते हुए इस तरह से कपड़े के बीचों बीच रखते हुए इस तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल फॉर्म के किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और उसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा के कपड़े को कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसकी दोनों साइड सिलाई लगा के कपड़े को कट कर दिया है और ये हमारा एकदम परफेक्ट शेप में है। अब हम इस स्लीपर पे रख के देखेंगे कि हमारी साइज़ बिल्कुल सही है कि नहीं। तो देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है बिल्कुल सही इस तरह से। अब हम वाइट कलर के कपड़े से दोनों साइड इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से। हम यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। तो देखिए, एक तरफ की पाइपिंग तैयार है, हम इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग लगा लेंगे। इस कपड़े से हम दूसरी तरफ भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों साइड पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया है। यहाँ का एक साइड हमने थोड़ा कम रखा है और एक साइड हमने ज़्यादा रखा है। जो कम वाली साइड है वो हम आगे की तरफ लगाएंगे। इस तरह से हम एक सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमें एक पीछे की साइड एक पट्टियाँ लगाना है, पहले वो हम लगा लेंगे। तो उसकी नाप हम इस तरह से लेंगे। हमने इसकी इंच टेप से लंबाई नहीं कटिंग की है, हमने इस तरह से इसकी नाप लेके कटिंग की है यहाँ से इस तरह से। और इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम एक सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, हमने एक सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारी सैंडल की शेप आ चुकी है। अब यहाँ से हम पट्टियाँ अपनी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम पट्टी को रख करके एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हम एक एक सिलाई से इसे फिक्स कर देंगे। सेम उसी तरह इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए हम लगभग हमारे शूज़ का शेप तैयार हो चुका है। इस तरह से यहाँ हम सुई से टाकला भी लगा सकते हैं और मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, तो हम इसकी सिलाई मशीन से ही कर लेंगे। अब हम पहले किनारे की साइड की पाइपिंग तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पाइपिंग को एक साइड से पहले एक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें बाद में सिलाई करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम एक सिलाई किनारे लगाएंगे। अब हम पीछे की साइड से यहाँ से पाइपिंग को रखते हुए पहले एक पूरे गोलाई में एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने पाइपिंग की एक सिलाई लगा ली है। अब पाइपिंग को हम नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से पाइपिंग को इस तरह फोल्ड करते हुए एक सिलाई फिर पूरे गोलाई में हम लगा लेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल फ्रेश सिलाई लगाएंगे, देखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने इस सैंडल की पूरी फिनिशिंग कर दी है। अब इस पट्टी को हम सिलाई मशीन से ही सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो सुई से भी टाका लगा सकती हैं इस तरह से दोनों साइड। देखिए हमारी सैंडल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप चाहें तो यहाँ बटन लगा दें, फ्लावर लगा दें, कोई स्टिकर लगा दें, कुछ भी लगा दें, मैं यहाँ बटन लगाऊंगी। तो देखिए हमने ये सैंडल बना करके रेडी कर ली है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसानी से ये मेरी सैंडल बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आज की ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।